गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पिछले सेशन में जो हम लोगों ने देखा था उसमें जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर हेल्थ इंस्पेक्टर ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा था, वो पार्ट टू था, ठीक है। और आज के इस सेशन में हम लोग जो है पार्ट थर्ड देखेंगे, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग पार्ट थर्ड देखेंगे, ठीक। एक बात, दूसरी बात कि पिछले सेशन में हम लोग ने 15 क्वेश्चन, ठीक है, बाइलिंगुअल, ठीक है, बाइलिंगुअल 15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोग ने देखा था, ठीक है। और इस सेशन में भी हम लोग जो है आपका 15 क्वेश्चन देखेंगे, पूरा कम्प्लीट 15 क्वेश्चन का ये वीडियो सेशन रहेगा, ठीक है। और उसमें हो सकता है कि अगर ज्यादा क्वेश्चन, अगर टाइमिंग अगर ज्यादा हो जाए तो 10 ही क्वेश्चन में दे पाऊं, ठीक है। तो मान के चलिए 10 से 15 का सेशन आपका चलेगा ये। इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, अपना आंसर को रिस्पॉन्स करना है। और मैंने बताया था कि 24 आवर्स के बाद जो है आंसर मैं आपको कमेंट्स करूंगा कमेंट्स में, ठीक है। चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपका हो चुका है कम्प्लीट और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 15 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट और इस सेशन में हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। और पहले मैंने बताया था कि बाइलिंगुअल चलेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा, ठीक है। चलिए तो बाइलिंगुअल चलेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है बोर्ड पे, लेप्टोस्पिरोसिस, ठीक है, लेप्टो LEPTO, ठीक है, एस्प्रोसिस, ठीक है, एस्प्रोसिस, ठीक है। लेप्टोस्पिरोसिस इज एल्सो नॉन एज, ठीक है, एल्सो नॉन एज, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन है कि लेप्टोस्पिरोसिस इज एल्सो नॉन एज, ए ऑप्शन आपको दिया गया है, ये लेप्रोसी, ठीक है, ए ऑप्शन में आपको दे दिया गया लेप्रोसी, बी ऑप्शन में आपका वेल्स, ठीक है, बी ऑप्शन आपको दे दिया गया वेल्स डिजीज, ठीक है, WEILS, ठीक है, वेल्स डिजीज, ठीक है। और सी ऑप्शन आपको दे दिया गया है लेसीमेनेसिस, ठीक है, लेसी, ठीक है, LEIS कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, LEISH, ठीक है, M, ठीक है, MANIASIS, ठीक है। तो ये आपका तीन तरह से ऑप्शन है, देख लीजिए, लेप्टोस्पिरोसिस इज एल्सो नॉन एज, ए ऑप्शन दे दिया गया लेप्रोसिस, बी जो है वेलिस डिजीज दे है, और तीसरा जो आपके स्क्रीन पर है वो लेसीमेनेसिस हो गया, ठीक है। तो ये आपका तीन तरह से आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ऑप्शन कट रहा है, ठीक है, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन इसको जान लीजिए कि जो सी ऑप्शन है वो लेसीमेनेसिस है, ठीक है, लेसीमेनेसिस, ठीक। अब इसको हम लोग हिंदी में देखें, इसको अब हिंदी में देखते हैं हम लोग क्या है इसका। तो देखिए हिंदी कहता है, देखिए हिंदी कहता है कि लेप्टो, थोड़ा सा हिंदी वर्ड जो होता है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन टफ ही होता है, शुद्ध अगर प्रोनाउंसिएशन करे तो लेप्टोस्पिरोसिस, ठीक है, स्पोरिसिस, लेप्टोस्पिरोसिस को ब्लैंक्स है के नाम, ठीक है, के नाम से भी, के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है, आपका क्वेश्चन मार्क ऐसे बन गया, ठीक है। लेप्टोस्पिरोसिस को फिल इन द ब्लैंक्स है के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है कुष्ठ रोग, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका कुष्ठ रोग हो गया। सेकंड ऑप्शन जो आपको मिला वो है वेल्स रोग, ठीक है, वेल्स डिजीज है, वेल्स डिजीज, वेल्स लिखा हुआ, ठीक है, वेल्स, वेल्स डिजीज, ठीक है, वेल्स, वेल्स डिजीज। और सी ऑप्शन में दे देता हूं यहां पर, उसमें क्या कहता है लिस्मेनियासिस, लिस्मेनियासिस, ठीक है, लिस्मेनियासिस, ठीक है। तो देख लीजिए लिस्मेनियासिस, लिस्मेनी
याशीष, इस तरह से आपका हुआ हिंदी में। तो आपको स्पष्ट रूप से स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो देख लीजिए और आगे हम लोग अब चलते हैं। तो इसके बाद आपको रिस्पांस अपना देना है, एक साथ देना है, ठीक है। जो भी आपको आंसर दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 16 से लेके 20 तक, 25 तक, 30 तक, जितना भी मैं क्वेश्चन चलूं, तो आपको ऐसे देना है, 16 का बी एक साथ दे देना है, 17 का सी, 18 का डी, ऐसे रिस्पॉन्स आपको करना है, ठीक है। इसको बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 हुआ कंप्लीट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग चलेंगे। नंबर 70 क्या है? कॉप्लिक्स, ठीक है, के ओ पी एल आई एस, ठीक, के पोस्ट ऑफिस एस, कॉप्लिक्स एस्पोर्ट, एस पी ओ टी एस्पोर्ट, इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक साइन। स्पष्ट रूप से आपको दिख रही है स्क्रीन पर, कहता है कि कॉप्लिक्स, ठीक है, कॉप्लिक्स स्पॉट, ठीक है, इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक साइन ऑफ, इस तरह से आपका क्वेश्चन मार्क्स। ये आपको ऑप्शन मिल गया, चिकन पॉक्स, CHICKIN, पोस्ट ऑफिस एक्स, पॉक्स भी आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, मतलब बोर्ड पे ये रहा, मम्स, MUMPS, ठीक है, और सी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आई है, मिजल्स, ठीक है, मिजल्स, देख लीजिए स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब इसको हम लोग हिंदी में जान ले, हिंदी वाले कैंडिडेट के लिए, कॉप्लिक्स स्पॉट का एक नैदानिक, हिंदी वर्ड है, देख लीजिए, नैदानिक सिद्धांत है, और आपको अपना रिस्पॉन्स देना है। वही चीज है, आपको स्पष्ट रूप से चिकन पॉक्स है, मम्स है, ठीक है, और थर्ड जो है वो मिजल्स है, खसरा है, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं मिजल्स, इसको खसरा भी बोलते हैं हिंदी में, चलिए हिंदी वर्ड हो गया। तो इस तरह से आपको इसका रिस्पांस देना है, स्पष्ट रूप से आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, चलिए ठीक है, स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पहले इंग्लिश में देंगे हम लोग, फिर इसका हिंदी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि सेशन जो है आपका बाइलिंगुअल है, ठीक है, सेशन जो रखा गया है उसको बाइलिंगुअल रखा गया है, कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिले। तो क्वेश्चन नंबर 18 पहले मैं आपको ये दे देता हूँ, इंग्लिश में दे देता हूँ, चलिए इंग्लिश में ज्यादा रखा है, रेटिनॉल इज द अदर नेम ऑफ क्वेश्चन मार्क्स चिन्ह, ठीक है, रेटिनॉल इज द अदर नेम ऑफ, एक नंबर आपका हो गया विटामिन सी, एक नंबर हो गया
विटामिन सी, बी ऑप्शन आपको दे दिया गया है, ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया गया है विटामिन ए, विटामिन ए इसको ऐसे कर देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा कैपिटल लेटर में, और सी जो आपको ऑप्शन तैयार किया गया है विटामिन बी सिक्स, विटामिन विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स है। देख लीजिए स्पष्ट रूप से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि रेटिनॉल इज द अदर नेम ऑफ, ए है विटामिन सी, बी है विटामिन ए और सी है विटामिन बी सिक्स। चलिए इसका हम लोग हिंदी में देख लें, ठीक है, हम लोग अब इसका हिंदी में देख लें कि क्या हिंदी है। तो हिंदी देखिए, हिंदी के लिए फिल इन द ब्लैंक्स है का दूसरा नाम, दूसरा नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल, रेटिनॉल ऐसे ही देते हैं, रेटिनॉल है। अब यहां पर आपका ऑप्शन वही है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, ठीक है, रेटिनॉल, रेटिनॉल ऐसे भी, रेटिनॉल भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। चलिए इसको भी देख लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 हुआ कंप्लीट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। और पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश मीडियम, ठीक है, पहले हम लोग इंग्लिश मीडियम को देखेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, एनोफ्लीज, ठीक है, एनो एनोफ्लीज, एनोफ्लीज, ठीक है, एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो, ठीक है, ब्रीड्स इन, बी आर डबल ई डी एस, ब्रीड्स इन, ए ऑप्शन आपका मिल गया मडी वाटर, एम यू डबल डी वाई मडी वाटर, बी ऑप्शन आपको दे दिया गया फ्लोइंग वाटर, ठीक है, फ्लोइंग, फ्लो से बना है बहती पानी, फ्लोइंग वाटर, और सी ऑप्शन आपको यहां पर दे रहा हूं वो हो जाएगा क्लीन वाटर, सी एल ई ए एन डब्ल्यू ए टी ई आर, ये आपका इंग्लिश में हुआ, ये आपका इंग्लिश में हुआ, इसको इंग्लिश में हम लोग देखे। अब हम लोग इसका हिंदी देख लेते हैं कि हिंदी में किस तरह से ये होगा। तो कहता है कि एनोफ्लीज, एनोफ्लीज, ठीक है, एनोफ्लीज मच्छर, एनोफ्लीज मच्छर खाली स्थान में पैदा होता है, पैदा होता है, इधर थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे हैं, इधर हम में पैदा, पैदा होता है मतलब ब्रीड्स होता है, क्वेश्चन मार्क, देख लीजिए ए ऑप्शन दे दिया गया गंदे पानी, बी ऑप्शन दे दिया गया बहते पानी, बहते पानी, और तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया स्वच्छ पानी, स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ पानी, साफ पानी जिसको बोलते हैं, स्वच्छ भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग साफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे लिख देते हैं, स्वच्छ भी है साफ भी है, आपको स्पष्ट रूप से स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए पूरा स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आपका जो है 19 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, अब हम लोग चलेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर, हम लोग अब 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग चलेंगे।
तो पहले इंग्लिश में देख लेंगे, इसके बाद हम लोग हिंदी में देखेंगे। तो इंग्लिश में क्या है, विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट इज, विडाल टेस्ट इज डन फॉर, ठीक है, विडाल टेस्ट इज डन फॉर, ये ऑप्शन आपको दिया गया है, ये ऑप्शन दे दिया गया है, डिप्थेरिया, बी ऑप्शन आपको दे दिया गया है टाइफाइड, सी ऑप्शन आपको दे दिया गया है डेंगू, DENUG, ठीक, देख लीजिए, विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट डन फॉर, ए ऑप्शन डाइफ्थेरिया, ठीक है, और बी में टाइफाइड और सी में डेंगू। अब इसका हिंदी भी हम लोग देख ले कि हिंदी में क्या इसको, कैसे इसको हम लोग बोलेंगे, तो हिंदी में भी वही है, कुछ विशेष तो है नहीं हिंदी में, विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट खाली स्थान है के लिए, विडाल टेस्ट खाली स्थान है के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, ऑप्शन वही है डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया, बी है टाइफाइड और सी है डेंगू, डिप्थीरिया टाइफाइड डेंगू, विडाल टेस्ट ब्लैंक्स है के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, हाँ चलिए ठीक। अब हम लोग आगे की ओर देखें, तो क्वेश्चन 20 हुआ आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 20 यहां तक हो गया आपका कंप्लीट, हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कि एनेमिया, ठीक है, एनेमिया, एनेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, इस तरह से स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको, चलिए ठीक है, आगे देखिए, ये ऑप्शन आपको दे दिया गया है आयोडीन, बी ऑप्शन दे दिया गया है आयरन और सी ऑप्शन में दे रहा हूं मैग्नेशियम, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और इसको हम लोग हिंदी में देख रहे हैं कि एनीमिया खाली स्थान की कमी के कारण, के कमी कारण होता है, क्वेश्चन मार्क देते हैं यहां पर खड़ी पाई जगह पे, आयोडीन आयरन मैग्नीशियम, आयोडीन आयरन मैग्नीशियम, यही आपका ऑप्शन है। तो इस तरह से 21 नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देख लीजिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है, चलिए स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा, आगे चलते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर चलेंगे, और बाइलिंगुअल हो रहा है तो इसमें पहले सबसे पहले हम लोग इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है सबसे पहले इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, इनक्यूबेशन देख लीजिए, स्पष्ट रूप से है इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ फैलेराइसिस लिखा हुआ है, फैलेराइसिस, ठीक है, फैलेराइसिस
ठीक है ठीक है, राइसिस ऐसे करते हैं, राइसिस ज्यादा अच्छा रहेगा, राइसिस इन कंबशन पीरियड ऑफ फेलेराइसिस, फेलेरियस है, फेलेराइसिस इज, ये ऑप्शन आपको दिया गया है ऐसे, 7 days, बी ऑप्शन आपको दे दिया गया है 8 to 12 months, 8 to 12 months, 8 to 12 months, और सी ऑप्शन आपको दे दिया गया है, सी ऑप्शन यहां दे देते हैं कि 1 to 2 years, मतलब 1 से 2 साल का रास्ता। स्पष्ट रूप से आपको स्क्रीन पे दिख रही है तो थोड़ा सा मैं इंक को डाल लेता हूँ, स्पष्ट रूप से आपका जो है विजिबिलिटी जो है ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखे तो आप इसको स्क्रीन पे देखते रहे और देख के क्वेश्चन को समझे कि इनकम्बशन पीरियड ऑफ फेलराइसिस इज, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है 7 days, सेकेंड जो दिया गया है वो है 8 to 12 months, और सी ऑप्शन आपको दिया गया है 1 to 2 years, सी ऑप्शन आपको दिया गया है 1 to 2 years। तो स्पष्ट रूप से आपके स्क्रीन पे दिख रही है, आप तो देखते रहे और समझने का कोशिश करें। देखिए ये आपका ऑप्शन हो गया सी, ए बी सी तीनों ऑप्शन कंप्लीट। अब आगे हम लोग इसका हिंदी मीडियम में देखें, फिलेरियासिस हिंदी वर्ड है, देख लीजिए, का उद्भवन काल, उद्भव होता है, उद्भवन लिखा हुआ ठीक है, उद्भवन काल लिखा हुआ लेकिन उद्भव होता है, उद्भव काल ही इसको समझे, उद्भवन काल भी बोल सकते हैं, तो उद्भवन काल, उद्भवन काल होता है, उद्भवन काल होता है हिंदी मीडियम के कैंडिडेट के लिए है कि फिलेरियासिस ठीक है, फिलेरियासिस का उद्भवन काल होता है, फर्स्ट ऑप्शन है 7 days, बी ऑप्शन है 8 to 12 months, और सी ऑप्शन है 1 to 2 years। तो आपको अपना रिस्पांस देना है, आपको अपना रिस्पांस देना है कि क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कितना है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 23, अब क्वेश्चन नंबर 23, कॉजेटिव एजेंट, देखिए कॉजेटिव कॉज से बना हुआ है, कॉज से बना हुआ है, कॉजेटिव बोलेंगे इसको ठीक है, कॉजेटिव, कॉजेटिव, कॉजेटिव है ठीक है, कॉजेटिव एजेंट